वंदे मातरम मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कोरोना वायरस के संक्रमण वाली कोविड-19 महामारी के दौर में आप सब सुरक्षित घर में रहकर अपना जीवन जी रहे होंगे। मित्रों, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, और एक बात यह सिद्ध हो चुकी है कि इस समय में वही आदमी ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहा है, वही व्यक्ति कोरोना को मात दे पा रहा है जो या तो घर में रह रहा है, सुरक्षित रह रहा है, या फिर जिसका जो प्रभावित हुआ है और जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम जिसका मजबूत है, वही व्यक्ति इसको मात दे पा रहा है। तो मित्रों, क्यों ना हम घर बैठे अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। आइए, कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं, इस विषय में बात करते हैं। मित्रों, हमें उच्च रक्त शर्करा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए लो कार्बोनेट वाले खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। लो कार्ब डाइट का प्रयोग हमें करना चाहिए। संपूर्ण प्रोटीन वाली चीज़ें, फल फ्रूट, अधिक सब्जियां, अधिक फल हमें सेवन करने चाहिए। अधिक जितना आप टमाटर, हरी सब्जी, गोभी, पुदीना, शिमला मिर्च, यानी जो फल अच्छे हैं वो खाने चाहिए। और जितने प्रोटीन की आपको आवश्यकता है, विभिन्न प्रकार की दालों में आपको प्रोटीन मिल जाएगा, चाहे वो मसूर की दाल हो, चने की दाल हो, चाहे राजमा हो, सोयाबीन हो, या किसी भी तरह की दाल हो, मसूर, मूंग, उड़द, कैसी भी दाल हो, आप उस दाल को खाएं, या आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा पूरी करती है, और प्रोटीन की मात्रा पूरी होती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। और उसके लिए राजमा भी एक अच्छा स्रोत है, राजमा का सेवन आप कर सकते हैं, सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं, काजू, बादाम, अखरोट आदि का सेवन आप कर सकते हैं। अखरोट प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है अखरोट, और काजू, बादाम और पिस्ता वगैरह तो है ही। इसके अलावा हमें आंवला का सेवन ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। आंवला का जूस पी सकते हैं हम, आंवला को प्रतिदिन खा सकते हैं। अगर प्रतिदिन हम 1 या 2 आंवला खाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, या उसका जूस का सेवन कर सकते हैं। अदरक का सेवन कर सकते हैं, चाहे हम चाय के साथ अदरक का सेवन करें, चाहे हम सब्जियों के साथ करें, चाहे कच्चा ही खाएं, लेकिन हमें अदरक का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करने की आवश्यकता है। मित्रों, लहसुन को आप कच्ची भी खा सकते हैं और लहसुन को सब्जियों में भी अधिक मात्रा में सेवन कर सकते हैं। हल्दी का भी प्रयोग सब्जी में अधिक करें, दूध में भी हल्दी का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करें, ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अपने आप में बनी रहे। दूध के साथ में आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं, या दूध को ऐसे भी पी सकते हैं। दूध में प्रोटीन ज़्यादा होता है और दूध आपको अच्छा इम्यून पावर देता है। इसके अलावा कुछ एक सीड्स हैं, जैसे कद्दू के बीज हुए आपके, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज, तरबूज के बीज, ये सब जो बीज हैं, इन बीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके प्रोटीन्स होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, विटामिन अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप दही खा सकते हैं, और सूखे मेवे जितने हैं सूखे मेवे उनको अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन के साथ साथ ही हम अपने और जो भी व्यंजन बना रहे हैं उसमें कर सकते हैं, दही का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पेय पदार्थ आता है उसका इस्तेमाल करते थे, जिसको याकूट कहते हैं, जो कि विशेषतर विदेशों में मिलता है, भारत में कम मिलता है, लेकिन दही हमारे यहाँ अच्छी प्रचुर मात्रा में मिलता है, उसका हम सेवन कर सकते हैं। 8-10 गिलास पानी हमें प्रतिदिन पीना ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर आदमी को अपने शरीर के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से, बच्चे को कम से कम 3 गिलास पानी पीना ही पीना है, 3-4 गिलास बच्चे को, और बड़ों को 8-10 गिलास पानी प्रतिदिन अवश्य पीना है। और प्रतिदिन आधा पौन घंटा अपने को व्यायाम अवश्य करना है, जिसमें घर में ही जॉगिंग, चलना, दौड़ना, योगा, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं हम, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर के अंदर छोटी मोटी जिम है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सोने में कोई समझौता नहीं करना है मित्रों, प्रतिदिन 7 से 8 घंटे हमें सोना है। दवा के सोना अच्छा मौका मिला है सोने का, तो अच्छे से सोना है। सोने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है, और हमें तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए सोना भी ज़रूरी है। हमारा मस्तिष्क ठंडा रहेगा, हमारा रक्त अच्छा रहेगा, रक्त परिसंचरण अच्छा रहेगा। हमें ध्यान करने की आवश्यकता है, ताकि हम ध्यान जैसा जीवन जी सकते हैं। मित्रों, हमें डिब्बाबंद भोजन, शक्कर, वनस्पति घी का प्रयोग कम करना है। शक्कर या स्मोकिंग या लीकर का सेवन हमें कम मात्रा में करना है। यथासंभव जहाँ तक हो सके हमें यात्रा करने से भी बचना चाहिए, और मास्क तो हम वैसे ही लगाते ही हैं, ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। और ये सभी जानते हैं कि घर के अंदर रहना है, अच्छा खाना खाना है, साफ़ सफाई से रहना है, जल सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और
भारत या राज्य सरकार जो भी आदेश दे रही है उन आदेशों को अच्छे तरीके से हमें पालन करना है। अपने घर में रहते हुए अच्छे से एक्सरसाइज करते हुए हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। परिवार के साथ रहने का मौका नहीं मिलता है, अभी मौका मिला है तो उसको अच्छे से जिए, हंसी से जिए, अपना इम्यून पावर बढ़ाएँ। जय हिंद।